गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप क्या कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं। आज मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। कल प्रीवियस क्लास में क्या सीखे थे अपन पढ़कर आराम से घर में है आप। मैं आज एक नया विषय लेकर आपके पास आया हूँ। आपके घर में है तो मैं इसको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे। आज आपके घर में कौन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम कौन करने वाले हैं आपको पता है कि नहीं? माँ से आप या पापा, आपके माँ बहुत काम करते हैं ना, घर के सजाव सजाव करना, आपको पकवान करना, आप पैदा हुआ कचरा आपको इकट्ठा करके बाहर देना, आपको क्या करना सजाना, आपको रेडी करना, सब कुछ माँ ही करती है। माँ से आपको क्या मिलता है, हम भी काम करना, आपको एक उदाहरण मिलता है ना। ऐसे ही माँ बिना आप नहीं रह सकते, क्योंकि माँ अच्छे अच्छे पकवान बनाकर आपको देंगे। इसलिए आपको सर्दी में गर्मी में कभी भी आपको अच्छे से वेरी टेस्टी फूड मिलता है कि नहीं? समर डेज में भी आपको अम्मी माँ बहुत अच्छे पकवान बनाती है, अच्छे अच्छे डिशा बनाती है। हाँ, विंटर सीजन में भी आपको अच्छे से, सर्दी के दिनों में भी आपको अच्छे से फूड मिलते हैं। जैसे बारिश के दिनों में रेनी डेज में भी आपको अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। जैसे घर पूरा बहुत नीट तरह से बहुत क्लीन रहता है ना। ऐसे ही आपको एक पता है, बहुत जीव जंतुओं में एनिमल्स जीव जंतुओं प्राणी पक्षियों के सबसे बहुत मेहनत करने वाला एक बहुत अच्छे चीज, बहुत अच्छे एक जीव जंतु है, वो है क्या आपको आज के दशक में आपको बता दें कौन है। कौन है आपको बता दें क्या? मैं बताऊंगी, चींटी और टीला। चींटी और टीला। देखो चींटी कौन है? एंट। टिंडा कौन है? ग्रास होपर। ग्रास होपर क्या करता है, चींटी क्या करती है, ये दो लोगों का, दो चीजों का हम आज विषय आपको बता सकते हैं। चलो लेसन नंबर 5 पेज नंबर 23 देखो। मैं बोलूंगी, मैं टिंडा हूं, मुझे पसंद है नाचना गाना मस्त करना, काम बिल्कुल ना करना। मैं चींटी हूँ, मुझे पसंद है दिन रात काम करना, आराम बिल्कुल ना करना। गर्मी के दिन थे ये टिंडा पेड़ के नीचे छाया में बैठा और मस्ती में गाना गा रहा था, पर एक चींटी दोपहर में भी अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। चींटी को देखकर टिंडा मजाक उड़ाने लगा। टिंडा, ओ काली कलोटी चींटी, इस तेज धूप में तू बहुत चैन से बैठ जा। टिंडा राजा, मुझे अपने प्रेम की चिंता है, इसलिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। टिंडा, आराम करने के बजाय खाना इकट्ठा कर रही हो क्या? अभाव पड़ने वाला है। चींटी, मुझे आराम नहीं, काम करना अच्छा है। हाँ, मुझे सर्दियों के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। टिंडा, मूर्ख चींटी कभी नहीं सुधरेगी। और एक बार बोलेंगे, मैं टिंडा, मुझे पसंद है नाचना गाना मस्त करना, काम बिल्कुल ना करना। मैं चींटी, मुझे पसंद है दिन रात काम करना, आराम बिल्कुल ना करना। गर्मी के दिन थे ये टिंडा पेड़ के छाया में बैठा था, वहाँ मस्ती में गाना गा रहा था, पर एक चींटी दोपहर में भी अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। चींटी को देखकर टिंडा मजाक उड़ाने लगा।
रोटी चिंते इस तेज धूप में तो चैन से बैठ जाओ चिंते। राजा मुझे अपने पेट की चिंता है इसलिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, आराम करने के बजाय खाना इकट्ठा कर रही हो, क्या अभाव पड़ना पड़ने वाला है? चिंते मुझे आराम नहीं, काम करना अच्छा है, मुझे सर्दियों के लिए बहुत सारा खाना इकट्ठा करना है। टिंडा मूर्ख चिंते कभी ना नहीं सुधरेगी। चलो आज इसका सरल गीत आपको बोलूंगी, आप ध्यान से सुनो, एक शब्द भी ना उधर इधर ना होना। देखो सर, मैं टिंडा हूँ, आया टिंडा परसों पर आया टिंडा, मुझे पसंद है, I like it। क्या करना? मुझे like, मुझे पसंद है क्या? नाचना, डांस करना, गाना, सांग कर, सांग गाना और मस्त रहना, क्या? Delighted रहना, मस्त मजा से, हाँ, प्लेजर से रहना, काम बिल्कुल ना करना, क्या? Do not interested वर, मुझे काम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ओनली नाचना गाना मस्त उड़ाना, इतना ही था। मैं चींटी हूँ, मैं एंट हूँ, एंट क्या बोलती, मैं एंट हूँ, एंट मैं एंट, मुझे पसंद है, आई लाइक इट, क्या मुझे पसंद, मुझे क्या पसंद, दिन रात काम करना, नाइट होया दिन हो डे हो एवरी डे मुझे काम करना वर्क करना ही मुझे बहुत पसंद है। हाँ मुझे हार्ड वर्क करना ही अलग करता जैसा चीज होती है और आराम बिल्कुल ना करना मुझे लेजी रेस्ट हो बिल्कुल नॉट इंटरेस्ट आई नॉट इंटरेस्टेड मुझे क्या इंटरेस्ट है मुझे आराम करने में रेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है इसलिए टिंडा क्या बोल क्या बोला मुझे काम करना है नॉट लाइक वर्क मुझे ओनली लाइक नाचना डांस करना गाना। ये गर्मी गर्मी के दिन थे समर डेज थे एक टिंडा पेड़ की छाया में बैठा था। टिंडा मीन्स ग्रासहॉपर एक पेड़ के नीचे पेड़ क्या ट्री अंडर द ट्री ट्री के नीचे बैठा था। क्यों कैसे बैठा था छाया में शाडो में बैठा था आराम से क्यों बैठा था देखिए हम बेटा है देखो बेटा आराम से के बैठा था वहाँ मस्ती में गाना गा रहा था। मस्ती में बहुत जोर से गाना नाच रहा गाना आराम से सिंगर सॉन्ग आराम से कर रहा था। एक ख्याल मुझे ख्याल कम मुझे आराम रहना कभी भी आराम रहना। पर एक चींटी दोपहर में भी अपने लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। क्या कर रही थी चींटी एक एंट दोपहर में है बहुत दोपहर टोपला बहुत गर्मी हार्ड डेज वो भी कभी भी हाँ फूड क्या करता कर रहे थे कौन चींटी बहुत भोजन का फूड कलेक्ट कर रही थी कौन चींटी एंट। चींटी को देखकर टिंडा मजाक उड़ाने लगा कौन टिंडा देखकर देखा ओ इतनी हार्ड डे दिन है हम आठ थे तभी भी ये आफ्टरनून है ये क्यों ये जा रही है ना फूड कलेक्ट कर रही है ना हाँ फर्मी से कहा और टीला कहा हाँ टीला बोला हो काली कलूटी चिट्टी ये ब्लैक चिट्टी ये ब्लैक है इस तेज धूप में तू चैन से बैठ बैठ जाओ क्या बोले ये तेज धूप बहुत तेज हार्ड डे हाँ तू चैन से
चींटी बोली, टीले राजा क्या होकर ग्रासहॉपर की? टीले राजा, मुझे अपने पेट की चिंता है, मुझे आपके भोजन की चिंता है। चिंता क्यों? हाँ, मुझे अभी पेट दिन करना है, भोजन की दिन कर रहा हूँ मुझे है, हाँ इसलिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। क्या बोले? मुझे बहुत तो फ्यूचर का थिंकिंग है, हाँ मुझे आराम से बैठना नहीं आता, हाँ मैं भोजन को फूड कलेक्ट करने जा रही हूँ, हराम करने के बजाय खाना इकट्ठा कर रही हूँ। क्या मूर्ख टिंडा, क्या बोले? ओ फूड कलेक्ट नहीं जा रही, आराम से बैठ जा रही, धूप है क्यों जा रही हो? ये क्या अभाव पड़ने वाला है, क्या लैक पड़ने वाला है, क्या खाना नहीं सो आराम पड़ने वाला, क्या फ्यूचर में क्यों इतना फूड कलेक्ट कर रही हो? बोल बोल टिंडा, किसे बोल रही? एंड को बोल रही, मुझे क्या फूड कलेक्ट करना है? मैं नहीं आऊंगी, नहीं बैठूंगी। ठीक है मूर्ख, क्या मूर्ख, तुम्हें क्या पसंद है, ऐसे क्यों तुम्हें करते हो? हाँ क्या बोले? तुम्हें मूर्ख चिंगी कभी नहीं सुधरेगी, क्यों चिंता करते हो? पुलिस चिंटी एंड पुलिशेंट, तुम्हें कभी भी सुधरती नहीं हो, कभी भी सुधरती नहीं, इसलिए ही आप क्या करते, काम करते रहते हो। क्या बोले? एक दोस्त बहुत दोस्त है, कौन? टिंडा और चिंटी। टिंडा को काम करना अच्छा नहीं लगता, हाँ नॉट लाइक वर्क, चिंटी को लाइक ही वर्क, वर्क ही लाइक। बहुत सारे फूड पर्सन उठाती है, क्या वजन उठाती है? फूड के लिए वजन उठाकर संग्रह कलेक्ट कर रखती है, कब वेंडर डेस्क के लिए वो कलेक्ट करके रखती है। ये टिंडा आराम से खाना खाना नाश्ता आराम से रहती है, हाँ क्या बोल बोलो? टिंडा और चिंटी दो कौन दोस्त थे, और दोस्त में ये इसका आदत अलग, उसका अलग अलग था। आज की क्लास में इतना ही, बस ये दो तीन बार पढ़ो शब्दार्थ सुनो, कल के क्लास में आपको इसके आगे की चिंटी और टिंडा में विंटर डे से क्या होता आपको बताऊंगी। ओके थैंक यू।